वेलकम फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी आप सभी का स्वागत करती हूँ भोई इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। गायब कर सकते हैं यहाँ से,
इक्वल टू वन, समझ में आया? ओके, इस तरह करना ये फॉर्म आपका ऊपर स्क्वायर है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले वाई स्क्वायर दोनों साइड सेम है, एक साइड में कुछ ऐड कर दिया तो वो साइड बड़ी बन जाए, फिर उसको नीचे लेके आओ फ्रैक्शन फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरफ दिख रहा है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो इट इज लेस देन इक्वल टू वन। इस कंडीशन को यहाँ पे हम लिखेंगे और इन दोनों को गायब कर देंगे, समझ में आया क्या करना है? अब देखो चेंज क्या होता है, यहाँ पे इक्वल टू एज इट इज राइट है, इस टाइप पे भी इक्वल टू है, यहाँ पे भी इक्वल टू है, आगे क्या होगा? इक्वल टू नहीं आएगा, अभी लेस देन इक्वल टू आएगा। क्यों लेस देन इक्वल टू आएगा? क्योंकि हम कंडीशन यूज कर रहे हैं वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन, इस कंडीशन का यूज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या है? लेस देन इक्वल टू है, इसलिए इस स्टेप के बाद जो स्टेप आएगी उसमें लेस देन इक्वल टू है, समझ में? अब क्या गायब करना है? ये वाला पार्ट गायब हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इलिमिनेटेड। ओके, क्या बचा? सिर्फ मॉड ऑफ फोर एंड एक्स। ओके, अभी ये देखो मॉड ऑफ फोर एंड एक्स है, फोर इज कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म है और वो भी पॉजिटिव है, तो मॉड में से बाहर आते वक्त वो पॉजिटिव ही होगी, मतलब फोर एज इट इज बाहर आएगा इसमें से, सिर्फ मॉड किसको बचेगा? सिर्फ मॉड एक्स बचेगा, समझ में आया? तो फोर एज इट इज बाहर आएगा, एक्स को सिर्फ मॉड बचेगा। अब यहाँ पे मैं साइन कौन सा लूँ, इक्वल टू दूँ या लेस देन इक्वल टू? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ तक इक्वल टू आना है, फिर कंडीशन देने के बाद यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आपने क्या किया? सिर्फ मॉड को सेपरेट कर दिया ना, तो मॉड को सेपरेट ये वाली प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, मतलब मॉड ऑफ सेपरेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मतलब ये स्टेप और ये स्टेप इक्वल है, समझ? साइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये साइन सब एक के नीचे एक आना चाहिए, इक्वल टू यहाँ पे लेस देन इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू, समझ में आ रहा है? ओके, अभी यहाँ पे इक्वल टू होगा फिर भी ये डिनोट करेगा ऊपर वाला साइन जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं। ओके, फाइनल आंसर लिखते हो ये वाला यूज होगा, क्योंकि इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में कम से कम जो कंडीशन फॉलो होती है वो वाली कंडीशन फॉलो, राइट? ये समझ में आया था? फर्स्ट जो एग्जांपल था उसमें मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो था, राइट? और यहाँ पे क्या है? सिर्फ मॉड ऑफ एक्स है, राइट? उसमें क्या डिफरेंस था वो एग्जांपल देखो, ये मीन एक्स वाई टेंड्स टू एक्स जीरो वाई जीरो था, यहाँ पे क्या है? ये मीन एक्स वाई टेंड्स टू जीरो जीरो है, मतलब एक्स जीरो वाई जीरो की वैल्यू क्या है? जीरो जीरो। कल की कंडीशन बताओ क्या थी? मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई जीरो ब्रैकेट स्क्वायर, ये वाली कंडीशन हमने यूज की सॉल्व करते हो, राइट? अभी हम क्या करेंगे? एक्स जीरो वाई जीरो इनकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? जीरो जीरो। पुट कर दो, कंडीशन क्या मिलेगी? मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ में? मतलब हम और इजीली वाली कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे, और सेम फॉर मॉड ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ में? कौन सी कंडीशन यहाँ पे यूज होगी? ये वाली। कल हमने ये वाली यूज की थी क्योंकि उसमें एक्स जीरो वाई जीरो था, अलग पॉइंट था, यहाँ पे जीरो जीरो है तो ये वाली कंडीशन यूज है, समझ में आ रहा है? अभी इसके बाद हम मॉड एक्स की वैल्यू, कंडीशन क्या है? मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली कंडीशन है। ओके, ये हमने यहाँ पे सीरीज करके लिखा। अब ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर ली, अगेन यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? लेस देन इक्वल, कंडीशन वाली साइन डायरेक्टली एग्जांपल में प्रूव कर। अब फोर रिमेंस एज इट इज, फोर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? फोर के साइड में ये कौन आएगा? ये वाला पार्ट आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ में आ रहा है? अब डेल्टा वाली कौन सी कंडीशन है जो हमने कल यूज की थी? जीरो इज लेस देन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई जीरो ब्रैकेट स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा, ये कंडीशन थी, राइट? अब एक्स जीरो वाई जीरो की वैल्यू अपने पास जीरो जीरो है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? जीरो इज लेस देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा, राइट? मतलब ये वाला पार्ट, तो कौन सा पार्ट है ये वाला? इट इज डेल्टा,
समझ में और इसके लिए ऑब्जर्व करो अब यहाँ पे लेस देन है या लेस देन इक्वल टू है लेस देन मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या है लेस देन आएगा सी इट इज लेस देन फोर डेल्टा क्या है पहले हमने कंसिडर किया मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल वैल्यूज पुट करो जीरो का कुछ काम नहीं है रिड्यूस कर दो इसके बाद ये वाली कंडीशन गायब कर दो ये मैं बताऊंगी जहाँ पे स्क्वायर वाला पार्ट है वो गायब हो जाता है यहाँ पे मॉड में सिर्फ सिंगल वाली टर्म बचनी चाहिए फिर वो एक्स हो वाई हो कुछ भी हो सिर्फ सिंगल वाली टर्म बचनी चाहिए यहाँ पे सिंगल वाली सिर्फ एक ही टर्म है एक्स तो वही बचेगी सिपाही बाकी सब गायब हो जाएगा कंडीशन यूज करके सबको गायब कर दो ठीक है इसके बाद इसका और इसका रिलेशन क्या है मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी उस रिलेशन से फोर डिग्री के बाहर आ जाएगा इसको मॉड है इसके बाद ये वाली कंडीशन मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू रूट तो ये लेस देन इक्वल टू फोर एज इट इज इसके जगह पे आएगा रूट ये किसकी वैल्यू है डेल्टा की वैल्यू मतलब यहाँ पे रूट लिख सकते हैं जीरो इज लेस देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा ये लेस देन डेल्टा है इसीलिए हमने यहाँ पे लेस देन डेल्टा है समझ में सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ तक आए हम अभी देखो स्टार्टिंग यहाँ से किया था हम यहाँ तक आए ये लिखो यहाँ पे दिस इंप्लाइज फॉर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन फोर डेल्टा यहाँ तक आए हम अपना जो फाइनल जो होता है डेफिनेशन कल हमने की थी इट इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए क्या होना चाहिए इट इज लेस देन एप्सिलॉन मतलब लेस देन एप्सिलॉन अगर दिखे तो डेफिनेशन ट्रू हो जाएगी इट इज ट्रू डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एप्सिलॉन लाना है कैसे आएगा एप्सिलॉन कल देखो डेल्टा आया था तो हमने चूज एप्सिलॉन लिया यहाँ पे फोर डेल्टा आया हमारे पास है फोर डेल्टा हमें चाहिए एप्सिलॉन क्या करना पड़ेगा एप्सिलॉन बाय फोर ये नहीं चाहिए समझ में आ रहा है फोर नहीं चाहिए तो फोर कैंसिल होना चाहिए ना राइट तो यहाँ पे हमें क्या चूज करना है अभी देखो ये स्टेप हो जाने के बाद आपको यहाँ पे चूज करना है चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय ठीक है तो अभी डेल्टा की जगह पे अगर हम एप्सिलॉन बाय फोर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा फोर फोर कैंसिल एप्सिलॉन आ गया यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट है सिर्फ प्रॉपरली लिखो ओके अभी यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय फोर अब ये एप्सिलॉन ऑब्जर्व करो यहाँ पे एप्सिलॉन बाय फोर आ जाएगा अपना काम रेडी डेफिनेशन रेडी हो गया अभी सिर्फ प्रॉपरली लिखना है आपको स्टार्टिंग से एंड तक क्या लिखेंगे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय फोर विच इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा व्हेनेवर जीरो इज लेस देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा सारी डेफिनेशन कलेक्ट कर और फिर क्या लिखना है देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट दिस इज ट्रू क्लियर इस तरह एग्जांपल कंप्लीट कर रहे हैं यहां तक सबको समझ में आया क्या करना है ओके स्टेप्स चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 4 इसका काम हो गया कि बाद में क्या करना है आपको पूरी डेफिनेशन स्टार्टिंग टू एंड पूरा लिखना है कैसे देखो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 There exists delta is equal to epsilon by 4 bracket में delta is equal to epsilon by 4 bracket में it is greater than 0 such that mod of f of xy minus l f of xy minus l is less than delta 4 delta it is less than 4 delta और यहाँ पे 2 मिनट ध्यान दो यहाँ पे 4 delta लिखा which is equal to 4 epsilon by 4 4 4 cancel which is equal to epsilon इस तरह जैसे लिखना है देखो 4 delta equal to delta की जगह पे epsilon by 4 4 4 cancel epsilon और उसी के नीचे लिखो दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर
0 is less than under root of x square plus y square is less than delta. Complete? Therefore, by definition of limit, अभी कल वाला जो एग्जांपल दिया था उसपे डेल्टा की वैल्यू क्या चूज करनी पड़ी? एप्सिलॉन. आज क्या किया? एप्सिलॉन बाय 4. क्यों किया? 4 के वजह से किया. मतलब आपको अभी क्या करना है, कोई भी एग्जांपल हो सेम मेथड से कैलकुलेट करना है, यहाँ तक आना है. इसके बाद आपको चूज करते वक्त कुछ दिक्कत नहीं होगी. डेल्टा तो दिखेगा, कैरेक्टर दिखेगा, उसके साइड में जो टर्म है उसको एप्सिलॉन के नीचे डाल, जो भी हो. समझ में आया? अभी अगर सपोज हम एग्जांपल में यहाँ पे चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ लेती हूँ 2, तो कहाँ पे चेंज होगा? सेम प्रोसेस, यहाँ पे 2 आएगा, फिर इस पार्ट में 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, बाकी एज इट इज 2 2 2, यहाँ पे भी 2 आएगा. उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, तो डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 लेनी पड़ेगी, फिर इसमें पुट करने बाय 2 तो कैंसिल एप्सिलॉन. समझ में आ रहा है? पैटर्न फिक्स है, सिर्फ आपको चेंज करना है. ओके, तो क्या अगर 2 किया